मध्य प्रदेश के खंडवा में भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं खंडवा सांसद नंद कुमार सिंह चौहान के नेतृत्व में खंडवा कलेक्टर कार्यालय का घेराव कर प्रदर्शन किया गया। वहीं प्रशासन ने भी राजगढ़ में हुई घटना को देखते हुए सुरक्षा की दृष्टि से पुख्ता इंतजाम किए थे। सांसद ने कहा कि अतिक्रमण में भेदभाव की नीति को हम सहन नहीं करेंगे। प्रदेश में प्रशासन नाम की कोई चीज नहीं रह गई है। प्रशासन कांग्रेस का एजेंट बनकर कार्य कर रहा है, जो लोकतंत्र में ठीक नहीं है। यह बात नंद कुमार सिंह ने कही और कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। वहीं जिलाध्यक्ष सेवादास पटेल, विधायक देवेंद्र वर्मा, पंधाना विधायक राम डांगोरे, नरेंद्र सिंह तोमर, ममता बौरसे सहित अन्य पदाधिकारियों ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार को जमकर कोसा। देखिए, ये तो मंच से जब हमारे लोग बोलते हैं तो उनका आक्रोश इन शब्दों में खड़ा, लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस ने प्रशासन का कांग्रेसीकरण कर दिया है, कलेक्टर राजगढ़ कलेक्टर न होकर कांग्रेस की वर्कर बन के काम कर रही है, कांग्रेस की सरकार की एजेंट बन के काम कर रही है। पार्टी के जेएनयू से कुछ अच्छे लोग भी इस देश को मिले हैं। मैं पूरे जेएनयू में सभी का विरोध नहीं कर रहा हूं, लेकिन आज के समय में वहाँ जो माहौल है, 10 रुपए में वहाँ कमरा मिल जाता है और 30 रुपए या 50 रुपए में महीने भर का खाना मिल जाता है, ऐसे इसमें वहाँ पर अनेक ऐसे असामाजिक तत्व मिलते हैं जो राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में संलग्न रहते हैं, और ये बात भी अब दुनिया से छिपी नहीं है। और जिस प्रकार से अमर्यादित व्यवहार जेएनयू के लोग कर रहे हैं, खुलेआम लॉ की चुम्बन का खुलेआम जश्न मनाया जेएनयू वालों ने, उसकी क्लिपिंग साफ सब लोगों ने देखी है। ये भारतीय संस्कृति को कलंकित करने का काम कर रहे हैं भैया। सीएए के समर्थन में देशभक्त लोगों का एक शांतिपूर्ण जुलूस राजगढ़ में निकला था और भारत माता की जय के नारे लगा रहे थे। वहाँ की कलेक्टर महोदया के कान वो नारों को नहीं सुन पाए और वो भड़क गई, मर्यादा तोड़ दी और सिविल सर्विस रूल्स का उल्लंघन करके उसने सीधे मारपीट शुरू कर दी। ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। प्रशासन रेफरी की भूमिका में होता है, सत्ता पक्ष और विरोधी दल ये अपनी अपनी भूमिका निभाते हैं और प्रशासन उसमें रेफरी की भूमिका में कि असली माफिया जिन्होंने सरकारी जमीनों पे कब्जा करके करोड़ों अरबों रुपए की संपत्ति बना ली है, उन पर तो ये हाथ नहीं उठा रहे। ये गरीब और बेकसूर लोगों को, छोटे लोगों को परेशान कर रहे हैं अतिक्रमण। भैया जहर बाहर आ रहा है क्या, क्या कुछ है पूरी कहानी जो मंच पर बोला? देखिए, मैंने जो बात कही ना, सीएए का कानून ये उन लोगों के लिए बनाया गया है जो बेचारे पाकिस्तान में फंस गए थे बंटवारे के बाद। वहाँ पे मुस्लिम बहुल आबादी है और वहाँ का इस्लामिक स्टेट पाकिस्तान ने अपने आप को डिक्लेयर किया हुआ है, इसलिए वहाँ दूसरे मजहब को मानने वाले, धर्म को मानने वाले लोगों को वो सहते नहीं है, पर बर्दाश्त नहीं करते। उनके बहू बेटियों की इज्जत दिन में लूट लेते हैं, मारकाट करते, जबरन उनका धर्म परिवर्तन कराते। तो वो बेचारे सताए हुए लोग हिंदुस्तान में आए और अब वो यहाँ से लौटकर जाना नहीं चाहते। ये कानून हिंदुस्तान के किसी भी बाशिंदे की नागरिक की नागरिकता नहीं छीन रहा है, लेकिन हाँ, जो वहाँ सताए हुए हैं हमारे अपना, उन पीड़ित लोगों को हम हमारे गले लगा रहे हैं। 21 दिसंबर 2014 तक जो भारत आ चुके हैं उनको भारत की नागरिकता देने का ये कानून है और इसका समर्थन जो भी देशभक्त है, मानवता जिसमें है वो। खंडवा से अहमद सिद्दीकी की रिपोर्ट।